हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं दो हेलमेट्स के बारे में। तो आज हम दो हेलमेट आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे। माय नेम स्मार्टी और आप देख रहे हो सीके ब्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं सुरेंद्र रॉयल एसेसरीज में और आपको वहां दो हेलमेट अनबॉक्स करके दिखाएंगे। सबसे नंबर वन पर स्टड है, उसके बाद एक आता है SMK जो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और दोनों को हम बताएंगे कौन बेस्ट रहेगा, किस प्राइस रेट में, और अभी जो नया अभी स्टड का हेलमेट आया जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको भी बताएंगे। साथ साथ दोनों का अनबॉक्स करेंगे और आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सकेगा कि ड्राइव करते समय आपको कौन सा हेलमेट लेना है और नहीं और कौन सा नहीं लेना है। आइए आपको बताते हैं। नंबर वन पर हम स्टड को इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस रेट थोड़ा कम रेंज में बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसका नाम हो गया ड्रेफ्टर डी वन और इसकी MRP होगी 2,550 रुपये। ये आप देख सकते हो। तो आइए इसको हम अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाएंगे अनबॉक्स करके। ये काफ़ी खूबसूरत है। तो फाइनली इसका भी हमने अनबॉक्स कर दिया है, आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लुक आ रही है। ये देखो आप, इसकी ग्राफिक्स काफ़ी खूबसूरत है। तो आइए इसकी हम बात करते हैं। तो डब्बा को कर देते हैं थोड़ा देर के लिए साइड। तो डब्बा को कर दिया साइड और हेलमेट को ले आया सामने फ्रंट में, आप इसको देख सकते हो। नंबर वन पर हम इसको बताना चाह रहे हैं, ये ऊपर एक वेंटिलेटर डाला हुआ है जो काफ़ी कूल लग रहा है मेरे को, ये आप देख सकते हो। और पीछे आपका दो एयर वेंटिलेटर डाला हुआ है गैस वगैरह निकलने के लिए, और इसमें एक जाली भी डाला हुआ है ताकि आपका पानी अंदर ना जाए, ठीक है। तो बात करें इसकी ग्राफिक्स की, तो काफ़ी अमेजिंग ग्राफिक्स बनाई है स्टड कंपनी ने। इस बार मार्केट में कुछ नया लाया है, मे बी शिफ्टर से बहुत बढ़िया आपको लगेगा। और इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है, इसका वेट है आपको 1450 ग्राम। इस रेंज में, इस प्राइस पर और इस वेट पर काफ़ी मज़ा आएगा आपको ड्राइव करने में। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आपको एक डुअल वाइजर मिल रहा है जो आपको शिफ्टर में देखने मिला था। अभी ये डुअल वाइजर आपको इसमें आ गया है ड्रेफ्टर डी वन में, तो उसको देखेंगे हम कैसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे नंबर वन पर इसका ग्लास ऊपर, यहाँ से ऊपर नीचे होता है, ये आप देख सकते हो। बहुत ही इजीली वे में हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ट्रैफिक में फंसे हुए तो आराम से एक हाथ से भी आपको हैंडल कर सकते। और बात करते हैं इसकी पैडिंग की, तो ये फुल्ली वॉशलेबल पैडिंग बनाई है स्टड कंपनी ने, ये आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा पैडिंग है, मे बी आप अगर यूज़ करोगे तो काफ़ी कम्फर्टेबल लगेगा। और ये आप देख सकते हो कुशनिंग इसका काफ़ी मज़ेदार है। और ये फुल्ली पैडिंग जो है ना, ये वॉशलेबल है, इसको आप खोल के वॉश कर सकते हो और ड्राई करके इजली वे में सुखा सकते हो। तो ड्राई करना बिल्कुल भी भूलिएगा मत, क्योंकि इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। और आगे एक नोज़ गार्ड आपको ये दिख रहा है, ये मिल जा रहा है। और साथ बात करें तो ये आगे वेंटिलेटर भी काफ़ी कूल लग रहा है मेरे को, ये काफ़ी कम बजट में काफ़ी। और ये सबसे बात, इसकी डॉट सर्टिफाई ये हो चुकी है, जो आपको स्टैंड आपको स्टड के एक और आया था थंडर्ड मॉडल, उसमें आपको दिखा नहीं था, बट ये डॉट सेटिस्फाई हो चुका है। तो फाइनली ये SI मार्कर के साथ साथ डॉट सेटिस्फाई भी आपको हो गया 1450 ग्राम में, काफ़ी अच्छा लुक एंड डबल वाइजर। और इसमें आपको पैडिंग भी काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा होगा, तो मैं भी ये सर्च करूँगा, ये काफ़ी अच्छा बनाया स्टड कंपनी ने। तो आइए शिफ्टर की बात करते हैं, अब देखते हैं शिफ्टर में कौन सा भी लेटेस्ट आया हुआ है। आइए शिफ्टर को अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले नंबर वन को हम बताना चाहेंगे, ये शिफ्टर को गया ट्राइफोन नंबर नाम हो गया इसका। तो ट्राइफोन का ये कलर आपको दिख सकता है, यहाँ पर कलर आपको दिख जाएगा, ये आपको ट्राइफोन आ जाता है 5150 रुपये का, ठीक है। और आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। ये मीडियम साइज़ का अवेलेबल है हमारे पास, इसके आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको ये सब परचेज करना हो तो आप सुरेंद्र रॉयल एसेसरीज के अंदर आ सकते हो, नियर बड़ा गुरुद्वारा बैंक मोड़ धनबाद। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा ताकि आप इजीली परचेज कर सकते हो। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। मैंने अभी डब्बा खोला है और डब्बे में बैग और एक हेलमेट मेरे को दिख रहा है। डब्बा को कर देते हैं थोड़ा देर के लिए साइड और बात करते हैं इसकी। तो ये अनबॉक्स करते हैं इसको पहले। इसमें आपको एक बैग मिल जाएगा जो आपको ट्रैवल करते समय अगर हेलमेट अगर कुछ देर के लिए रखना होगा ही तो आप इसको इजीली वे में रख सकते हो। तो इसको हमने कर दिया है अनबॉक्स। और इसको, इसकी कलर तो मेरे को बहुत ही प्यारी लग रही है, वाकई में हैवी। तो आइए इसको हम खोलते हैं। ओ माय गॉड, काफ़ी ब्राउड एंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये आप देख सकते हो। और इसका ये ग्लास तो मतलब कहने वाली बात है, मतलब बहुत ही अच्छी है। आगे आपको इसमें नोज गार्ड मिल रहा है जो आपको स्टड में नहीं दिख रहा था। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से आपको बताते हैं इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाएगा, पुराने SMK को हटा के भी नया जो SMK आया है। तो पुराने SMK में आपको वेट ज़्यादा मिल रहा था जो काफ़ी कंप्लेन आ रही थी, बट अभी SMK ने रिसेंट ही इसको 1600 ग्राम कर दिया है, काफ़ी बढ़िया है।
और ये आपको पता ही होगा डॉट सेटिस्फाई के साथ साथ आपको एसआई क्रू भी मिल रहा है। सो इसका कलर बहुत ही अच्छा है और ये पीछे पूरा ये फाइबर लगाया गया है ताकि ये पानी एयर के साथ साथ आपको पानी अंदर ना जाए उसके लिए। और आगे आपको ये मिल जाता है वेंटिलेटर जो आपको हेयर कूलिंग के लिए आपको मतलब वो गर्मी वगैरह रखते हैं ना कि सर पर बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह आते हैं तो इस टाइम में आपको नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम डाला है, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लुक है। तो इसमें देखते हैं इसके डबल वाइजर को, इसका डबल वाइजर भी काफ़ी अच्छा है, ये इजिली ऊपर नीचे हो जा रहा है और काफ़ी स्मूथ है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा अगर आप ये लेते हैं तो काफ़ी आपको इजिली यूज़ करने में बहुत कम्फर्टेबल रहेगा। बात करें इसे ग्लास की तो ग्लास इसकी बहुत ही अच्छी है और इसमें आपको एक ग्लास के साथ ट्रांसपेरेंट मिल रहा है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इस प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा चीज़ मिल रहा है, इससे आपको एक फ़ायदा मिलने वाला है जो रात में आप ट्रैवल करते हो तो आपको ये देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये इसके अंदर एक पैडिंग लगी हुई है, इसको हम ग्लास को कवर बोलते हैं, ठीक है, ये ग्लास को कवर बोलते हैं। और इसके साथ साथ आपको डुअल वाइजर मिल रहा है, ये आप देख सकते हो, तो डुअल वाइजर भी काफ़ी अच्छा है। और साथ साथ आपको एक ग्लास के अंदर ये मिल रहा है, इसमें फॉग वाले ग्लास, वो जो फॉग वाली प्रॉब्लम आती थी ना ठंडे में, वो भी आपको इसमें कवर करने मिल जाएगी। मतलब इसमें आपको एडवांस मिल गया कि लगा लगाया मिल जा रहा है तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। और ये अब एक एक्स्ट्रा बटन डाला हुआ है, इससे आपको ये एयर कूलिंग के लिए डाला हुआ है। मे भी थोड़ा सा चेंजिंग के लायक कुछ नया तो होना चाहिए ना भाई, वरना मार्केट में पता कैसे चलेगा कि SMK ने कुछ नया भेजा है। इसमें अंदर आपको मिल जाती है दो चीज़, जिसके पहले हम बेल्ट को खोलते हैं फिर आपको बताते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। तो इसमें बेल्ट इसको खुल गया, अब इसको हम लोग खोल देते हैं। ये फाइनली अब खुल चुका है और अब इसकी आप पैडिंग अंदर की देख लो, मतलब बहुत ही बढ़िया है ये देखिए। और ये फुल्ली वॉशलेबल है, इसमें देखिए आपको दो पैडिंग मिल रहा है, एक छोटी और एक बड़ी। इसमें नोज गार्ड भी आपको आराम से हो जाएगा, प्लस आपको ब्लूटूथ डिवाइस को लगाने के लिए इजी वे में मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस मिल जाएगा आपको लगाने के लिए। तो ये इसकी पैडिंग फुल्ली वॉशलेबल है और ये लेदर लगी हुई है साइड में, तो मे भी आपको वाटर वगैरह जब पानी वगैरह गर्दन में आ जाती है और पानी वगैरह सूख जाता है तो ये गर्दन में पानी आपको नहीं आने देगा मेरे हिसाब से। तो SMK ने ये बहुत ही अच्छा मॉडल लॉन्च किया है, मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है, 1600 ग्राम। हाँ प्राइस थोड़ी सी महंगी है मेरे को पता है, बट ये काफ़ी मजबूत रहेगा। और मैं सजेस्ट करूँगा अगर किसी का बजट अगर 5000 के अंदर है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये दोनों हेलमेट परचेज करना हो तो आप आ जाइए सुरेंद्र रॉयल एसेसरी नियर बड़ा गुरुद्वारा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारा और भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप उसका एक झलक देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल्स आपको दिख रहे होंगे, स्टील वर्ड स्टड्स एंड अदर वेगा ब्रांड, और भी बहुत कुछ आपको अमेजिंग मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास बहुत ही कलेक्शन है, A to Z आपको जितने भी मार्केट में हेलमेट है वहाँ पर आपको इजिली भी मिल जाएंगे हमारे पास, आपको बहुत अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा और बहुत अच्छा रेट में आपको मिल जाएगा। और सारा कलर अवेलेबल है हमारे पास, आपको A to Z कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पर आके परचेस कर सकते हो सुरेंद्र रॉयल एसेसरीज नियर बड़ा गुरुद्वारा। आज आपको वीडियो में जो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज का वीडियो को यहीं एंड करते हैं।